हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो यहां पे अगर देखें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे कि भारत सरकार एक मिनी रतन के नाम से भी जानती है। अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाती है भारत सरकार, वो मेरे हिसाब से तो रेलवे से ही कमाती है, क्योंकि रेलवे से जितनी बड़ी आमदनी है वो कहीं से नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर IRCTC आपके पास होल्ड है तो यहाँ पे देखिए काफ़ी नीचे के भाव में यहाँ पर आ गया है, 1429 रुपये आज चल रहा है। आज मार्केट भी काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी गिरावट हुई मार्केट में। यहाँ पर आप देख पाओगे लाल लाल कैंडल ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट नए इन्वेस्टर आप सोच रहे हो IRCTC में इन्वेस्ट करने, तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बगल में हिट कर लीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। एंड अगर आप पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि पेनी शेयर्स हम वीक में एक बार लेके आते हैं जिसके प्राइस 1 रुपये से भी कम होते हैं, यानी 20 पैसे 25 पैसे वाले शेयर। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर रख दोगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा कॉर्पस बना के दे सकता है। अगर डीमैट अकाउंट ओपनिंग करवाने में आप इंटरेस्टेड हो तो एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मैं ग्रुप में अपने ऐड कर लूँगा अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं टिप्स प्रोवाइड किया करूँगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत आरंभ करते हैं। तो अगर देखूँ मैं यहाँ पर IRCTC में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली OFS की वजह से, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 1429 का भाव अभी चल रहा है, 1429 का भाव है और नए इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो। देखिए यहाँ पे जो नीचे का सपोर्ट दिख रहा है ना हमें, वो सपोर्ट 1335 रुपये का सपोर्ट दिख रहा है, 1335 रुपये तक नीचे आ सकता है। बाकी इलेक्शंस हैं सामने, इलेक्शन में बहुत बड़े अनाउंसमेंट रेलवे के लिए आ सकता है, क्योंकि देखिए कोविड में अगर सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर पर इफ़ेक्ट भी पड़ा है ना कोविड में, तो वो एक ही सेक्टर है, वो है रेलवे। गवर्नमेंट को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो रेलवे से ही हुआ है, ठीक है। तो आने वाले समय में रेलवे को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है गवर्नमेंट, रेलवे को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है। अगर आप देखोगे तो रेलवे के हित के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, ITC के साथ, स्विगी के साथ, बहुत सारी कंपनीज के साथ, नेस्ले के साथ, बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप हो रहा है, और टाई अप करके वहाँ पर रेडी टू ईट फूड्स डिलीवर हो रही हैं AC कोचेज और नॉर्मल कोचेज में। रेडी टू ईट फूड अगर आप जाओगे ना, अभी आपको बिल्कुल बना बनाया मैगी मिल जाएगा, मैगी वाला डब्बा मिल जाएगा, और अलग अलग कंपनीज ने बल्कि ठेका ले रखा है, वो 5-5 10-10 मिनट में आते रहेंगे आपके पास, सबके यूनिफॉर्म सेम होंगे। यानी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे, काफ़ी बढ़िया लेवल पे IRCTC अब प्राइवेट बंदों को ठेका दे के आगे काम करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दे के काम करवा रहा है। तो इससे क्या है ना, रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी कुछ दिन पहले AC में सर्व कर सॉरी ट्रैवल करके आया, सर्व करके कह रहा हूँ, ट्रैवल करके आया, और आप हर 10 मिनट में मतलब एक बार जरूर चाय वाला आ रहा है, चीज़ जो चीज़ वगैरह बेचते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया, या फिर मैगी वगैरह हो गया, सूप हो गया, मैगी भी वहाँ पर मिल रहा है, सूप भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ बाहर का कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर का ही। तो काफ़ी बढ़िया IRCTC ने मतलब किया, मैंने उन लोगों से रोक के पूछा भी अपने नॉलेज के, क्योंकि हम लोग शेयर बाज़ार वाले हैं, कि ये आप लोग डायरेक्ट IRCTC में जॉब करते हो या कहीं और? कहता है नहीं, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है IRCTC की तरफ से, मतलब हमारे मेन मालिक को, तो वो उनके उनके तरफ से मैं जॉब करता हूँ, मतलब डायरेक्ट IRCTC में जॉब नहीं करते हैं वो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए इसका मतलब ये है कि IRCTC बढ़िया रेवेन्यू कर रहा है और सही तरीके से कर रही है, कि अगर एक IRCTC डायरेक्ट हायरिंग करता ना तो शायद उनके जो इम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरह से मेहनत नहीं करते, वो समझते कि सरकारी जॉब है यार, जैसे मर्जी वैसे चले। तो लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट के पास जाता है ना तो एक टारगेट बेस्ड जॉब हो जाता है, और उनको टारगेट मिल जाता है कि इतना आपको, इतने एक बंदे को इतना सेल करना ही करना है। तो प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इनका जो बोर्ड मीटिंग आने वाला है, जो रिज़ल्ट आने वाला है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक PDF इन्होंने लगा रखा है, तो एक बार इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये देखिए 28, यहाँ पे थर्सडे 28 जनवरी को इनका बोर्ड मीटिंग रखा जाएगा, और वहाँ पे इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो सबमिट किए जाएंगे, वो दिए जाएंगे। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि अच्छे नंबर्स आने के,
क्योंकि कोविड में बिल्कुल भी गिरा हुआ था, बिल्कुल भी परेशान थे वो। उसके बाद एकदम से तेजी आई है, लोगों ने बुकिंग करवानी शुरू की है, लोगों ने बुक किए हुए हैं बहुत सारे लोग, प्री बुकिंग भी चलती है। तो काफ़ी बढ़िया टारगेट इसके निकल के आ सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हो इसमें बाइंग बनाना ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें आप बाइंग बना सकते हो 1300 रुपये के स्टॉप, 1330 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 1330 के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप बाइंग बनाते हो तो आपको बहुत बढ़िया टारगेट देखने को कुछ ही दिनों में मिल जाओगा। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, आने वाले समय में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसको होल्ड करो, 1250 रुपये के बजाय 1250 रुपये के नीचे ये नहीं जाएगा। चलिए होप करते हैं भैया वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।